नमस्कार आदाब सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूं लकी और आप देख रहे हो लकी टॉक्स। दोस्तों कल के मैच के बाद से खबर आ रही थी कि पूरा पाकिस्तान पेट के बल लेटकर सोया क्योंकि रोहित भैया ने उनका पिछवाड़ा कर दिया है लाल। वहीं कल के मैच के बाद पाकिस्तान की जीडीपी अचानक बढ़ गई। अब आप सोच रहे होंगे कि साला पाकिस्तान तो टॉस भी नहीं जीता फिर जीडीपी काहे बढ़ गई बे। अरे भाई टीवी का प्रोडक्शन 10 गुना ज्यादा जो बढ़ गया है क्योंकि वहाँ के टीवी वालों को पता था कि बाबर चाचा को हमारी बहुत फिक्र है, हारेंगे टीवी फूटेगा और लोग नया टीवी लेंगे। सच बताऊं तो मुझे समझ ही नहीं आया कि हर बार साला पाकिस्तान वाले लोटा काहे नहीं लाते। अरे भैया पिच पर हग नहीं होता है तो धोने का सामान भी तो लेकर आना चाहिए था। बात तो सही है इस पर हमारे राहुल भैया ने कहा है, मजा आया। दोस्तों कल टॉस हुआ बाबर और रोहित के बीच और वैसे भी पाकिस्तान वालों को रोहित से ज्यादा दिक्कत है क्योंकि कोहली भैया तो कम से कम टॉस तो हार ही जाते थे मगर रोहित भाई ना टॉस हारते हैं ना मैच। वही मैच शुरू होते ही काफी टेंशन भरा माहौल हो गया क्योंकि इमामुल हक और शकील अच्छी रिदम में लग रहे थे लेकिन हमारे मियां भाई सिराज ने जैसे ही अपनी यॉर्कर डाली तो वो अपने साथ इमामुल और शफीक दोनों को ले गए और रही सही कसर पांड्या भैया ने गेंद में फूक मार मार के पूरी कर दी। 155 रन पे 2 विकेट खो चुकी पाकिस्तान की गाड़ी 191 पर ढेर हो गई। अब आपको लग रहा हो कि पाकिस्तान वालों को सिर्फ बेइज्जती मिली है, अरे नहीं भाई उनके सभी खिलाड़ियों को बैटिंग भी मिली है। वही बात करें भारतीय पारी की तो विराट कोहली ने सोचा इतने छोटे से मैच के लिए मैं क्यों अपने जूते गंदे करूं तो वो जल्दी पवेलियन चले गए। रुको जरा सबर करो। एंट्री होती है अपने हिटमैन की और रोहित शर्मा का हल्क मोड हो जाता है ऑन और फिर शुरू होता है क्रिकेट का नंगा नाच। बस दुख एक ही बात का रहा कि भैया की सेंचुरी नहीं बन पाई। खैर कोई बात नहीं, 2 पड़ोसियों को पेलने के बाद अब भारत 19 तारीख को बांग्लादेश को पेलेगी। वैसे पाकिस्तानियों के लिए 2 मीठे बॉल भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस की प्लेलिस्ट है तो उनको भी जरूर देखें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर ये वीडियो आप फेसबुक ट्विटर इंस्टाग्राम में देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर कर दें। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।